ताइवान की घटना पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक एक्सपर्ट पोस्ट किया गया है। ताइवान में जो जानमाल की हानि हुई उससे बहुत दुखी हूं, ये कहा है, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, ताइवान के लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा हुआ हूं। आज ताइवान में भूकंप के कारण 4 लोगों की मौत हुई थी, लगभग 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तस्वीरें हम सब ने देखी, जिस तरीके से ताइवान में भूकंप के बाद तबाही आई, 7.2 तीव्रता का भूकंप आया और उसके बाद तहस नहस ताइवान के कई हिस्से होते हुए नजर आए, जिसके बाद ट्रेन सेवाएं बाधित कर दी गई, बिजली सप्लाई पूरी तरीके से बाधित नजर आई है। और इसी के बाद प्रधानमंत्री की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, ऊंची ऊंची इमारतें ढहती हुई नजर आई हैं।